हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश तान भाई राज सर में। दोस्तों, पीछे के वीडियो में हमने बात किया था सब्जेक्ट के बारे में, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी एक अहम हिस्सा होता है और उस लिहाज से ऑब्जेक्ट का समझना बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात वर्ब का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे भाषा में आप कह सकते हो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को जो पर्सन या थिंग रिसीव करता है, जो वस्तु या व्यक्ति किसी काम को रिसीव करता है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे एक सेंटेंस आप देख सकते हो, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे प्ले जो है वो वर्ब है और ये इसका प्रभाव सीधे क्रिकेट पे पड़ रहा है और इसलिए ये क्रिकेट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। नीचे के सेंटेंस में देखते हैं, सी गेव मी अ पेन, सी गेव मी अ पेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेव वर्ब है और यहाँ इसका इंपैक्ट जो है सीधे पेन पे पड़ता है और मी पे पड़ता है। उस हिसाब से इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है, एक पेन और दूसरा मी। अब बात आती है कि भैया जब दो दो ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के है या फिर दो दो टाइप के है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक टाइप ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट प्रभाव वर्ब का पड़ता है, जिसपे वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे सी गेव मी अ पेन, यहाँ पे देखोगे कि देने का काम जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पेन पे पड़ रहा है, तो जिसपे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिसपे इनडायरेक्ट रूप से असर पड़ता है काम का, वर्ब का इनडायरेक्ट रूप से असर होता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अभी सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, अब देखते हैं कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहाँ पे होता है, अर्थात पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जनरली ट्रांजिटिव वर्ब ही ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो ध्यान रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब ही ऑब्जेक्ट लेता है, और इस तरीके से जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो ऑब्जेक्ट जनरली ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद आता है। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, आई राइट अ लेटर, यहाँ पे एक वर्ब है, ये राइट जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके जस्ट बाद इसकी इस एक्शन को रिसीव करने वाला एक आइटम आया है लेटर, और ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। उस हिसाब से इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, इसका पोजीशन आप देख सकते हो राइट के जस्ट बाद है, मतलब कि वर्ब के जस्ट बाद है। ठीक नीचे के सेंटेंस को भी देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब जो है वो प्ले है और इस एक्शन को रिसीव करने वाला क्रिकेट है, और इसका पोजिशन आप देख सकते हो वर्ब के जस्ट बाद है, जब वर्ब के जस्ट बाद है। अब दोस्तों देखते हैं कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं आता? आ सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने पहले प्रीपोजिशन लेगा और उस केस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। एग्जांपल से समझते हैं कुछ, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। रुचि लाफ्स एट आशीष, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है लाफ का, और ये जो वर्ब है ये इसका आप देख सकते हो कि इसका असर आशीष पे बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन देख रहे हो कि ये डायरेक्ट रूप से आशीष को नहीं ले रहा है, डायरेक्ट रूप से आशीष के जस्ट पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। तो यही होता है इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में, प्रीपोजिशन आता है वर्ब के बाद और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, दे केम इनटू द रूम, यहाँ पे भी देख सकते हो कि इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब कम का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है उसके पहले प्रीपोजिशन आया है। तो आप देख सकते हो इस दोनों का, एट हो या इनटू हो, इसका ऑब्जेक्ट आशीष और द रूम है, न कि इस वर्ब का। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, द मैन वॉक्स इन द पार्क, द मैन वॉक्स इन द पार्क, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वॉक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद जो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद पार्क का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो पार्क होगा वो इनका मतलब कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस इंट्रांजिटिव वर्ब का है। ध्यान रखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही ऑब्जेक्ट लेता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है, मतलब किन किन चीजों का इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हो।
तो ऑब्जेक्ट के तौर पे जनरली नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा नाउन के जैसा नेचर वाला कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे फ्रेज, क्लॉज, जिरंड, इन्फिनिटिव एक्सेट्रा का इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हो। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिया है, अभिषेक राइट्स अ लेटर। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लेटर आ रहा है, यहाँ पे एक्शन को लेटर रिसीव कर रहा है और ये लेटर जो है नाउन है, तो आप देख सकते हो कि नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी कॉल्ड मी। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्शन कॉल्ड है और रिसीवर जो है वो मी है, मतलब की एक प्रोनाउन है, मतलब की एक प्रोनाउन है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, आई डोंट लाइक प्लेइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ब का जो रिसीवर है वो प्लेइंग है, मतलब कि यहाँ पे ये प्लेइंग जिरंड है और आप देख सकते हो कि जिरंड का इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने किया है यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, इट इज यूजफुल टू वॉक। इट इज यूजफुल टू वॉक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है टू वॉक का, जो कि एक इन्फिनिटिव है, जो कि एक इन्फिनिटिव है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट नो वॉट टू डू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉट टू डू पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, जो कि एक फ्रेज है। इस तरीके से फ्रेज का इस्तेमाल भी हम ऑब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, सी डजंट लाइक द पर्सन हु अब्यूजेज। यहाँ पे ये पूरा ग्रुप जो देख रहे हो, द पर्सन हु अब्यूजेज, ये एक क्लॉज है और इस वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हम नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लॉज, इन्फिनिटिव, जिरंड और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन वीडियो में उन सारी चीजों का चर्चा करना थोड़ा। आइए दोस्तों देखते हैं कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है, पहचानते कैसे हो ऑब्जेक्ट को। दोस्तों ऑब्जेक्ट को पहचाना बहुत ही साधारण बात है, एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है आपको कि वर्ब के बाद क्या या किस, अर्थात व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करो और उसका जो जवाब मिलेगा वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल से। यहाँ पे देखते हैं, सी रोट अ लेटर। यहाँ पे हमने लिया है एक सेंटेंस, सी रोट अ लेटर। यहाँ पे वर्ब के जस्ट बाद क्वेश्चन करो व्हाट, यहाँ पे उसने लिखा तो क्या लिखा, तो जवाब मिल रहा है लेटर, तो यही इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, आई डोंट नो वेयर टू गो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं क्या, वेयर टू गो, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। आई डोंट लाइक, यहाँ पे देखो मैं पसंद नहीं करता हूं क्या, द पर्सन हु टेल्स अ लाई, क्या या किसने लगा करके क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे किसने जवाब मिल रहा है क्या, द पर्सन हु टेल्स अ लाई, मैं मतलब कि मैं जो आदमी झूठ बोलता है उसको पसंद नहीं करता हूं। द टीचर हैड बिटन द स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर ने पीटा था किसको, टीचर ने पीटा था किसको लगा करके क्वेश्चन करोगे, आंसर मिलेगा स्टूडेंट, तो उस हिसाब से इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट हो गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से क्या या किसने या किसे लगा करके जब क्वेश्चन करते हैं वर्ब के बाद तो जो जवाब मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों चलिए अब देखते हैं एक सबसे अहम बात जो पीछे बताना भूल गया उसको लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूं, कि जब एक प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है तो हमेशा उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज सेंटेंस को ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन सा होता है, किस प्रोनाउन का कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो दोस्तों आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है और यू का यू होता है। तो दोस्तों अगर इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर आपको करना हो तो आप इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस वाले फॉर्म का। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, ही हिट आई, ही हिट आई। यहाँ पे देखो कि आई का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए बल्कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है, देखो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी हम आई का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा मी का। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, रागिनी कॉल्ड सी, रागिनी कॉल्ड सी। दोस्तों देखो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में सी आया है और ऑब्जेक्ट है ये। अब देख सकते हो कि जब सी का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है
तो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकता, पहले नियम आपने देख लिया है कि सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकता, तो उस हिसाब से ये सी गलत हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखो हर है, तो यहाँ पे हर होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई लव ही, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से ऑब्जेक्ट के तौर पर एक प्रोनाउन आया है और अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। आप देख के आराम से बता सकते हो कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म फिर से ढूंढना पड़ेगा हमको। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही, हिम, और इसीलिए ही के जगह पे यहाँ पे हिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पर करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की